हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग बैकफ्लिप घर पे कैसे सीख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप लोग एक से डेढ़ हफ्ते में बैकफ्लिप सीख लेंगे घर पे ही। आपको किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से ही आप घर पर ही कर सकते हैं। किसी पार्क में जाके आप खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको किसी लड़के की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बाकी सारे यूट्यूबर्स डालते हैं कि किसी को पकड़ा लो, सपोर्ट कर लो, ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको इतना बेसिक तरीका बताने वाला हूँ कि आप खुद से ही सीख लेंगे मात्र एक हफ्ते में। और दोस्तों, इसे सीखने के लिए आपको दो फ्लिप आनी बहुत ज़रूरी हैं, जो कि बहुत ही सिंपल से मूव हैं, वो आपको आने चाहिए। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ वो कौन से मूव हैं। उन्हें मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका ट्यूटोरियल अलग से आपको दे सकता हूँ। हाँ दोस्तों, पहली जो फ्लिप है वो आपकी है टाइगर जंप। उसे हम देखते हैं कैसे आपको परफॉर्म करना है। तो दोस्तों, ये फ्लिप आपको आना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और जो सेकंड फ्लिप आपकी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसे कहते हैं किप अप। ये फ्लिप आपको आना ज़रूरी, ये दो फ्लिप आपको हैंड स्विंग सिखा सकती हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों मूव सीखने के बाद आपको बैक हैंड स्विंग कैसे प्रोग्रेस में लानी है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए आपको कैसे प्रोसेस करना है घर पे से। जैसे आप ये किकअप ले रहे हैं तो बॉडी जब आप पीछे करते हैं तो इसी में आपको बैक फ्लिप का मूवमेंट देना है। देखिएगा ध्यान से मैं कैसे अपनी बॉडी को बैक हैंड स्विंग में लेके जाता हूँ। देखा दोस्तों कितना इजी हो रहा है। इसमें आपको ना चोट लगने का डर है ना गिरने का खतरा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए।